रिश्ते में हमारी लड़की आपने देखी हुई थी, आपने कह दिया भाई लड़की में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी शादी के बाद, मेरी गारंटी है। आपने रजिस्ट्रेशन फीस भी लिया था, मम्मा पापा पीछे बैठे इनसे पूछ लो आप। हाँ तो आप बताइए आपने क्यों कॉल किया? सर कॉल इसलिए किया, आप तो कह रहे थे शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे, तो आप मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मम्मा पापा पीछे बैठे हैं उनको पूछ लो आप। मतलब ये मैं तो आपको सोच भी नहीं रहा था कॉल करने को, इतनी बात में मतलब हर वक्त की टेंशन है, दो महीने सोचा आपसे बात करने के लिए, मम्मा पापा पीछे बैठे हैं पूछ लो आप। हमारा काम होता है कुछ हद तक आपको मिलवा दे और जोड़ी फाइनल करा दे। जोड़ी फाइनल आपने तो करा दी जोड़ी फाइनल, मेरी तो बन गई ना जितनी जोड़ी बनी थी पूरी जिंदगी के लिए। आप तो कह रहे थे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्रॉब्लम तो आप मामा बाबा से पूछ लो पीछे बैठे हैं। नहीं आप ये बताइए, दूसरों से कंपैरिजन करना ठीक है? अब मेरी वाइफ है, हर वक्त कंपैरिजन करेगी, कहती है प्यार नहीं करते, एक मेरी जान ले रखी है, मेरे को कह रही है हमारे पड़ोसी विजय से कुछ सीखो, अपनी वाइफ को रोज किस करके जाता है, रोज मेरे को बोलती है तुम किस नहीं करते। मैंने कहा यार अपने बंदे का अपना अपना मिजाज होता है बंदे में, ये मैं आप सहमत हूँ। नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा, नहीं आप मैं झूठ बोल रहा हूँ, मम्मा पापा से पूछ लो पीछे बैठे हैं। छोटे मोटे क्लेश तो घर में लगे रहते हैं, छोटे मोटे क्लेश तो हम भी समझते हैं, मेरा ऐसा थोड़ी है कि हमने शादी एक ही करी है तो मतलब देखी नहीं है, बहुत ही शादियाँ देखी है, मेरे मम्मी पापा खुद पीछे बैठे हैं, शादी शुदा है मेरे मम्मी पापा बाय द वे, सो दे आर शादी शुदा, तो मेरे को सब पता है। अब जैसे सुबह उठूंगा वही देखो, पड़ोसी विजय को देखो, उससे कुछ सीखो, रोज रोज अपनी वाइफ को किस करके जाता है, अब मेरे को कह दिया आप नहीं करके जाते। मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि कर दिया करो किस हर सुबह। अब विजय को बुरा लग गया तो, विजय अगर बुरा मान गया मैं तो कर लूंगा केस, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं सुबह भी कर लूंगा शाम भी कर लूंगा। विजय ने अगर ऑब्जेक्शन कर लिया कि भाई क्यों मेरी वाइफ को किस कर रहा, तो वही चक्कर है ना, वो तो बोल देती है मुंह उठा के भाई तुम किस नहीं करते, अब उसको तो पता नहीं है ना विजय कितना बुरा मान सकता है, अड़ियल दिमाग का आदमी वैसे है, अड़ियल दिमाग का नहीं होता मैं तो कब का कर लेता, घर में क्लेश ही ना होता, क्लेश में हम करते ही नहीं है, मामा बाबा से पूछ लो पीछे बैठे हैं अगर मैं झूठ बोलूं तो। अब मुझे मिल लीजिए आके समझा दूंगा अपने भाई जैसी आप। देखो मतलब मामा बाबा से पूछने की जरूरत नहीं है, इतने प्यारे इंसान फोन पे मैं बता ही नहीं पाऊंगा सर, आप मुझे कॉल पे पूछ रहे हैं, फोन पे नहीं बता पाएंगे सर, ये समस्या यहाँ की नहीं होती, आप सही कह रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने नंबर दिया था आपका कि आपसे बात कर लें, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने कहा था कि आपसे बात कर लें और आपके साथ इस तरह की बात करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्या करते जाए आप? मैं रेडियो मिर्ची पे शो करता हूँ शाम का, और रेडियो मिर्ची पे ही जॉब करता हूँ, यहीं पे जॉब करता हूँ। एक आप क्या रजिस्ट्रेशन फीस आपने दी है क्या हमारे दफ्तर में? सर आप कहाँ जा रहे हैं, रेडियो मिर्ची में शो करता हूँ। मैं समझ गया हूँ आपका काम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कल ही हमारे पास एक रिश्ता आया है, ये सैयद लोग हैं और लड़की का नाम अलीशा है, 2-3 साल का ज्यादा फर्क नहीं है आपके और उसमें, तो आप आ जाइए, जो बात होगी मिल बैठ के आप उसमें मीटिंग करा देंगे, उसके बाद आप लोग भी मेरे खुद की शादी है आज मेरे खुद।